मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है, माँ मुझे माफ कर देना, माँ मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहिए मम्मी, आपकी भक्ति सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी ताकत है। पता है मम्मी, एग्जाम में मेरे जितने ही मार्क्स आते थे ना, आधे तो मेरी मेहनत के होते थे, बाकी आपके विश्वास और आपकी आस्था के। खुद में कॉन्फिडेंस हो या ना हो, आपकी आस्था में पूरा विश्वास था। ससू माँ, आज हनुमान जी होते ना तो वो भी बहुत खुश होते आपको देखकर, क्योंकि जितनी बड़ी भक्त आप लक्ष्मी माँ की हैं, उतने ही बड़े भक्त वो प्रभु राम के थे। तो आप दो मिनट के लिए भी डाउट मत करिएगा, क्योंकि आपकी भक्ति में सच्चाई है, इसलिए आप ग्रेट माँ हैं। कहाँ मैं अच्छी माँ हूं, आज इतना खुशी का दिन है, मैं दादी बनने वाली हूं और मैंने माया की नजर तक नहीं उतारी, यहां बैठ के आंसू बहा रही हूं। नहीं नहीं, उदास होके काम नहीं चलेगा। खड़ी हो जा सविता, इतने खुशी के मौके को खराब नहीं होने दूंगी मैं, बच्चे पे गलत असर पड़ सकता है ना। That's my सासुमा, the real hero. माया को बुलाओ। अरे अदिति, डैडी जी क्या कह रहे थे घर में? ये घर उनके नाम पे नहीं है? नाम पे तो पापा के ही था, लेकिन उनके भाई अलग ताऊ जी उन्होंने और कविता ताई जी ने मिलके इस घर पे केस कर रखा है, कि इस घर पे उनका भी हक है। तब से ये घर डिस्प्यूट में है और कई सालों से केस चल रहा है अभी तक। उत्तरी, ये तो प्रॉपर्टी का नया मसला हो गया यार, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। हाँ, वो मम्मी पापा ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करते, और अलग ताऊ जी और कविता ताई जी उनसे भी हमारी बातचीत होना बंद है। लक्ष्मी माँ, माँ तुम्हें और तुम्हारे आने वाले बच्चे को हर बुरी नजर से बचाए। इतने दिनों बाद घर में अच्छी खबर आई है, अब देखना सब अच्छा होगा। हाँ मम्मी, आगे इस घर में अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि बुरा होने को तो कुछ बचा ही नहीं। एक काम करना बेटा, तो तेरा बच्चा बड़ा होगा ना, तो उसे अपने कारनामों के बारे में जरूर बताना। कैसे इस खानदान का नाम रोशन किया उसके बाप ने। सविता तोसनीवाल जी, कहिए। लोगों ने आपके खिलाफ धोखाधड़ी की कंप्लेंट दर्ज करवाई है। जिन लोगों ने आपके खिलाफ धोखाधड़ी की कंप्लेंट दर्ज कराई है, उसके लिए आपको अरेस्ट करने का वारंट है हमारे पास। हुँ।
इंस्पेक्टर साहब, वो जो पैसे थे मैं इंतजाम कर रहा हूँ, बस थोड़े से कम पड़ रहे हैं। मैंने कहा था ना मैं लौटा दूंगा सबके। अब उसका कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था एक बार FIR दर्ज हो गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं। हमारे पास सबूत है, इन्होंने टीवी पर सबके सामने सवितामा बनकर लोगों को बेवकूफ बनाया है। 100 के नोट के 200 रुपए आपने ही बनाए थे ना? वीडियो है हमारे पास और बहुत सारे गवाह भी हैं जो ये कह रहे हैं कि आपके दर्शन के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। पूरा रेट कार्ड था, विंडो दर्शन के 1000 रुपए और आशीर्वाद के 10000 रुपए लिए थे या नहीं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए। अच्छा, तो फिर किसने लिए थे? वो गिरफ्तार करिए इस ढोंगी सविता माँ को, हम सबको ठगा है इन्होंने, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। आप लोग बताइए, आपसे पैसे किसने लिए थे? सर पैसे तो इनका बेटा लेता था, लेकिन असली चालबाज तो ये है सविता मां, नहीं नहीं ढोंगी सविता। नहीं इंस्पेक्टर, हमारी मम्मी ऐसी नहीं है, उन्हें तो ये सब पैसों के बारे में पता भी नहीं था। अरे ये सब भोलेपन का नाटक है, अरे मुझसे 50,000 लिए थे, मेरी बहू की डिलीवरी यहीं इसी घर में करवा दी थी। अगर मुझे पता होता ये कोई दिव्य औरत नहीं है, सिर्फ एक ढोंगी औरत है, तो भला मैं अपनी बहू और पोती की जान खतरे में डालता इनके लिए क्या? ऐसे ढोंगी लोगों की असली जगह जेल में है। देखिए मैं आप सबके रुपए लौटा दूंगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए, ये गिरफ्तारी रोक दीजिए प्लीज। कानूनी कार्रवाई तो हमें करनी पड़ेगी, अभी कुछ नहीं हो सकता। जाओ भैया, खड़े क्या हो, बोलो। मम्मी अरेस्ट हो रही है, अब तो सच बोलो जाके। भैया बोलते क्यों नहीं हो कि मम्मी को झूठ बोल के आपने ये सब किया? अरे साला साहब बताते क्यों नहीं, मुंह में क्या दही जमा के रखे हो? अरे बोलो ना, इस कांड के जिम्मेदार तुम हो, ये बताने के भी पैसे लोगे क्या? भैया आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, वो मम्मी है हमारी, आप उनको बचाओगे नहीं? जाओ। इंस्पेक्टर साहब देखिए सर, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया है, उन्हें अरेस्ट मत कीजिए, कुछ ले दे के मैटर को रफा दफा कर दीजिए। ऐसी दफा लगाऊंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत, तेरा भी वारंट निकालू क्या? चलो अरेस्ट करो। इंस्पेक्टर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया, अरे वो एक सीधी सादी औरत है, अरे वो किसी का बुरा नहीं कर सकती। सच में इंस्पेक्टर, मम्मी की कोई गलती नहीं है, प्लीज सर आप मम्मी को लेकर मत जाइए। देखिए वारंट सविता तोशनीवाल के खिलाफ है, हमें उन्हें ही गिरफ्तार करना होगा। और आप लोग कानूनी कार्रवाई में दखल मत दीजिए, हटिए। कांस्टेबल अरे सर, चलो हटिए।
हो गई तुम्हारी भक्ति सफल, देख लो अपनी लक्ष्मी माता का तोहफा। आज तक मंदिरों के चक्कर कटवाए और अब जेल भिजवा रही, अपनी परम भक्त के हाथों में हथकड़ियां लगवा के। इसमें लक्ष्मी मां का क्या दोष? दोष रोहित का है। इंसान की गलतियां भगवान पे क्यों डाल रहे हो? इंस्पेक्टर बस एक मिनट दीजिए मुझे। लेके चलो। इंस्पेक्टर सुनिए ना, बात सुनिए, सच में इनकी कोई गलती नहीं है। होंगी सविता, हाय हाय। होंगी सविता, हाय हाय। होंगी सविता, हाय हाय। होंगी सविता, हाय हाय। ऐसे ढोंगी लोगों की असली जगह जेल में ही होती है। ऐसे ढोंगी लोगों को हमारे मोहल्ले में रहना ही नहीं चाहिए। ओहो, नौटंकी देखो, ढोंग खत्म नहीं हुआ अभी। लक्ष्मी माता की मूर्ति जेल में लेके जाएंगी। ढोंगी सविता, हाय हाय। ढोंगी सविता, हाय हाय। मम्मी, ढोंगी सविता। बदतमीजी थी आदिति। मम्मी को जेल भेज के आप यहाँ चैन से बैठोगे? मेरी भी मम्मी है वो। यार मुझे भी बुरा लग रहा उस बात का। मैंने नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। आप सोचते ही कहाँ हो भैया, यही तो प्रॉब्लम है। आपने आज तक अपने मतलब के लिए अपनों को सिर्फ यूज किया है, बस। जेल में आपको होना चाहिए था भैया, मम्मी को नहीं। आदिति किस तरह से बात कर रही हो? अब वारंट मम्मी के खिलाफ आया था तो उसमें रोहित कर भी क्या सकता था? प्लीज भाभी, आप बीच में मत आइएगा। मैं आपसे बात नहीं कर रही, अपने भाई से बात कर रही हूँ। अदिति, भाभी के साथ बदतमीजी से बात मत कर। और सही तो कह रही है वो। अरे जिसके खिलाफ वारंट होगा पुलिस उसे ही लेके जाएगी ना। मैंने पूरी कोशिश की अदिति मम्मी को बचाने की, वो इंस्पेक्टर नहीं माना तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे तो आप बहुत कुछ कर सकते थे भैया मम्मी को बचाने के लिए। कुछ ना करते कम से कम सबको सच तो बोल देते कि गलती आपकी थी। लेकिन नहीं, आपने कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से।
बचपन से लेकर आज तक मम्मी हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी हुई है। एक दिन आप भी खड़े हो जाते भैया, लेकिन नहीं, आज आपने प्रूफ कर ही दिया भैया कि आप कितने बड़े सेल्फिश हो। आप बाप बनने वाले हो ना भैया, आज आपने जो मम्मी के साथ किया है ना, कल को आपका बच्चा वही आपके साथ करता, आपको कैसा लगता? बस अदिति, बहुत सुना दिया। और हाँ, हमारे बच्चे पे तो कमेंट करना ही मत। तो वाह भाभी, जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं उसके लिए आपको इतना बुरा लग रहा है, और जिसने इस परिवार के लिए इतना कुछ किया है उसके लिए आपको बुरा नहीं लग रहा? मम्मी जी के लिए हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये बात हमें तुम्हें बताने की, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। चलो रोहित। हाँ, अभी अरेस्ट करके ले गए उन्हें। प्लीज जल्दी कुछ करिए, जल्दी उनकी बेल करवाइए। नहीं नहीं, फीस की चिंता मत करिए। हाँ ठीक है। कितनी फीस मांगा था वकील? वो थोड़ी देर में बताएंगे। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, सविता को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, उसे कहना मुझे वही मिले। क्या मुसीबत में डाल दिया सविता ने हमें। देखा, उसकी अंधभक्ति की वजह से आज कहां पे आके खड़े हो गए हम। पापा प्लीज मम्मी को जल्दी घर ले आइए, कैसा माहौल है वहां पे, वो वहां पे एक मिनट भी नहीं रुक पा रही होंगी। मैम सुनिए ना, मम्मी, अरे सर, हाय हाय, न्यू एंट्री। अरे इसने किया क्या है? सबका भला किया है इसने। अरे ये वही है चमत्कारी फ्रॉड सविता माँ, भक्ति के नाम पे लाखों का चूना लगाया लोगों को इसने। इसे तो देखो, हम तो भगवान के नाम पे चोरी करते हैं, इसने तो भगवान को ही शामिल कर दिया चोरी में। शक्ल देख के तो ऐसे लगता है भोली है, शरीफ है। देख के लगता नहीं है इसको इतनी बड़ी चालबाज होगी। सर, वो आप मम्मी को किसी और सेल में रख सकते हैं क्या प्लीज? क्यों जनाब, तुम्हारी मम्मी कोई वीआईपी है, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल्स के साथ ही रहेगी ना। निरंजन तोसनीवाल। हाँ जी, कहिए। आपकी बहू श्रेया से मेरी बात हुई थी। हाँ हाँ, वो मेरी बीवी की बेल के लिए, बेल मिल गई ना? कोर्ट बंद हो चुका है, अब सुनवाई तो कल सुबह ही होगी। क्या कल सुबह? हाँ, कल सुबह से पहले बेल नहीं मिल सकती। मम्मी, सॉरी, मैं यहाँ रहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तू चिंता क्यों करता है? बस एक ही रात की तो बात है, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। ये देख, लक्ष्मी माँ मेरे साथ है, ये मेरी हिम्मत बनाए रखेंगी, तो फिक्र मत कर। मम्मी, कल किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए आपको मैं घर लेकर जाऊंगा। चलो चलो, बहुत सारी बातें हो गई आप लोगों की, चलिए आप निकलिए यहाँ से। ध्यान रखना।